जय माँ काली। चतुर्थ महाविद्या माता भुवनेश्वरी। माता भुवनेश्वरी को प्रकृति का मूल तत्व कहा जाता है। माता भुवनेश्वरी आदि शक्ति पराशक्ति कहलाती हैं। माता भुवनेश्वरी की उपासना पूजा पुत्र प्राप्ति के लिए की जाती है, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए की जाती है, ज्ञान प्राप्ति के लिए की जाती है, धन प्राप्ति के लिए की जाती है। माँ का स्वरूप बहुत सौम्य है। माँ के अंग की कांति स्वर्ण के समान है, सुंदर है। माता अपनी चारों भुजाओं में अभय और वरमुद्रा के साथ साथ में माने पाश और अंकुश भी धारण किया हुआ है। माता भवन वाहन सांसारिक सुख सांसारिक ऐश्वर्य की देवी कहलाती हैं। माता रानी का उपासक राजनीतिक पद को राजनीति में किसी बड़े पद को प्राप्त करता है, उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, वो महाबली कहलाता है। माता की जो साधना है मंत्र साधना वो स्फटिक की माला से की जाती है और देवी भागवत के अनुसार और तंत्र भागवत के अनुसार भगवान शिव की समस्त लीलाओं में सहचरी कही गई है माता भुवनेश्वरी कि माता भगवान भोलेनाथ जो भी लीलाएं करते हैं उसमें साथ में सहचरी है माँ भुवनेश्वरी। इसी प्रकार महानिर्वाण तंत्र में ये कहा गया है कि जितने मंत्र होते हैं जो मंत्र हम जाप करते हैं वो मंत्र भी अपनी शक्तियाँ माता भुवनेश्वरी से प्राप्त करके सिद्ध होते हैं। तो ये भी कहा गया है कि 7 करोड़ आदि शक्तियों से सिद्धि प्राप्त करते हैं मंत्र, मतलब 7 करोड़ मंत्र जो हैं वो आदि शक्ति भुवनेश्वरी से सिद्धि प्राप्त करते हैं। फिर इनका जो स्थान है, इनका स्थान उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के नीलकंठ महादेव मंदिर से थोड़ी दूरी पर है, ब्रह्मकूट, ब्रह्मकूट के भौंद गांव में इनका स्थान माना गया है। इनका बहुत सुंदर मंदिर है इस क्षेत्र में। माता रानी के उत्पत्ति की कथा ये आती है कि एक बार मधु कैटब ने सारे संसार में हाहाकार मचा दिए थे और उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को मार डालने का खा डालने का वो उद्योग कर रहे थे। तो भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान का आह्वान किए और विष्णु भगवान ने मधु कैटब के साथ में 5,000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया था। जब भगवान विष्णु ने देखे कि ये तो असुर जीते नहीं जा रहे हैं तो भगवान विष्णु जी ने माता भगवान ब्रह्मा जी विष्णु जी ने माता योग माया का आह्वान किए थे। माता योग माया ने मधु कैटब को मोह में डाल दिया था। ये सप्तशती के प्रथम अध्याय में आता है ये प्रसंग कि माता योग माया ने मधु कैटब को मोह में डाल दिए और मधु कैटब ने स्वयं भगवान विष्णु से कहे कि जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो वहाँ आप हमारा वध वही हमारा वध कर दो आप। तो भगवान विष्णु भगवान ने अपनी जांघ पर अपनी जंघा पर मधु कैटब का शीश रख कर काट दिए थे। इसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई भी शक्ति नहीं थी, वो तो पूरे संसार में जल ही जल था। तो उन्होंने जब देखी कोई शक्ति नहीं है और भगवती योग माया की उन्होंने स्तुति की कि माँ संसार में की सृष्टि निर्माण का कार्य आप पूर्ण करें। तो भगवती ब्रह्मा विष्णु और महेश को लेकर एक स्थान पर गई, एक खाली स्थान पर गई। तो वहाँ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने ये देखे कि अत्यंत सुंदर स्वरूप माँ का बैठा हुआ है जो कि स्वर्ण की कांति के समान अपने प्रकाश से चारों दिशाओं को चारों लोकों को प्रकाशित कर रहा है। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश समझ गए कि ये पराशक्ति भगवती आदि शक्ति जगत जननी माँ भुवनेश्वरी है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने देवी की स्तुति की। संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री देवी भगवती भुवनेश्वरी का उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इनकी उपासना से आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, कुबेर प्रसन्न हो जाते हैं और सरस्वती का वास हो जाता है घर पे। तो इनका जो जाप का नियम है वो ये है कि एक आसन लेकर बैठ जाए, लाल आसन, पहले 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। सामान्य प्राणायाम यानी सांस लें और छोड़ें। उसके बाद दोनों आँखों के बीच का जो भाग है आज्ञा चक्र वाला भाग उसको बहुत ज़ोर से पिंच करें। बहुत ज़ोर से पिंच करें यानी हमें एहसास हो कि वहाँ पे हमें कुछ अनुभूति हो रही है, अंदर आँखों दोनों नेत्रों के बीच में आज्ञा चक्र में हमें कुछ अनुभूति हो रही है, कुछ स्ट्रांग अनुभूति हो रही है, कुछ विशेष सोर्स ऑफ एनर्जी, कुछ बहुत ज़्यादा अत्यधिक ऊर्जा महसूस हो रही है, वैसे आप दोनों आँखों के बीच में दोनों नेत्रों के बीच में पिंच करें उस स्थान को। फिर माता भुवनेश्वरी का मंत्र आप जाप करें, ओम ऐंग ह्रीम श्रीम नमः। ओम ऐंग ह्रीम श्रीम नमः।
तो ये माता भुवनेश्वरी का मंत्र है। माता भुवनेश्वरी की उपासना से अतुलित ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सरस्वती प्राप्ति होती है, माता भुवन प्रदान करती हैं। माता को भुवनेश्वरी के दो अर्थ बताए जाते हैं, एक तो माता रानी क्योंकि भूमि की अधिष्ठात्री देवी है, मतलब भूमि से जुड़ा हुआ है भुवनेश्वरी की ये आदिशक्ति परामाया है जिन्होंने संसार की रचना की है, इसीलिए माता को कहीं कहीं माता रानी का जो नाम है वो शाकंभरी और शताक्षी भी कहीं कहे गए हैं, क्योंकि माता रानी ने सृष्टि की रचना की है, तो माता भुवनेश्वरी कहलाई है। तो आज्ञा चक्र को जागृत करने वाली देवी है माँ भुवनेश्वरी। तो माँ भुवनेश्वरी का एक अर्थ भूमि से जुड़ा हुआ भी है, साथ ही जिनको ऐश्वर्य भवन भवन की देवी भवन ऐश्वर्य सुख संपत्ति प्राप्ति वाहन प्राप्ति ये सभी चाहिए तो माता भुवनेश्वरी का ध्यान और पूजन करना अत्यंत लाभकारी होगा। जय माँ काली।